फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक मेरे हाथ में एसवी है, सोलनेट वाल्व। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो जो है वो इसी एसवी पर रहने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम आर ओ सिस्टम में एसवी यूज़ करते हैं। दो तीन तरह के एसवी चलते हैं जो कि हम आरओ में यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो एसवी है ये कैंट मॉडल के नाम से ये एसवी फेमस रहता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इसका इनसाइड रहता है और एक इसका आउटसाइड रहता है। इन और आउट हमें ध्यान रखना होता है कि हमें पाइप कैसे इसमें कनेक्ट करना है और आउटसाइड कौन सी होती है। उसके लिए देखिए, इधर ये एक एरो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। शायद अगर आपको कैमरे में हम थोड़ा ध्यान से दिखाएं तो ये एक एरो दिया होता है जिससे कि पानी की डायरेक्शन हमें किस टाइप से देनी है इस एसवी में, वो चीज़ पता चलती है। तो इस एसवी को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन हम आपकी नॉलेज के लिए इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इस एसवी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इस समय इस एसवी में क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वही वीडियो आज हमारी ये बन रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक डबल पुश की एल्बो है, मैं इस एसवी के इन में ये एल्बो लगा लूँगा और ये पानी का कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, पाइप मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये पानी का फ्लो आ रहा है। अब मैं इसके इस पॉइंट में ये पाइप जोड़ दूँगा। अब मैंने देखिएगा, अब इसमें मैंने इसमें क्या है कि SMPS या एडाप्टर के कनेक्शन नहीं दिए हैं, मतलब जो कि ये एसवी 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है, लेकिन फिर भी इसमें पानी आ रहा है, मतलब ये बाईपास हो गया है। ये देखिए, जबकि होना क्या चाहिए, जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा 24 वोल्ट का, इसमें पानी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये एसवी का वाल जो है वो बाईपास होने के कारण क्या है कि ये डायरेक्ट ही पानी आ रहा है, और इससे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आरओ में ये एसवी लगा होता है तो जो स्टोरेज टैंक होता है आरओ का, वो एक रीज़न ये भी रहता है कि इस वजह से भी ओवरफ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आरओ हमारा सिस्टम ऑफ है, उसके बावजूद भी पानी ये देता रहता है, तो आरओ का टैंक जो है ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो आज हमें यही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो आपको मैं दिखाऊँगा। अब देखिए, मैं पानी बंद कर लेता हूँ, इधर से इसको निकाल लेंगे। ये वाल जो हमारा ये बाईपास हो गया है, बिना ऑन किए ही जो पानी ये दिए जा रहा है, इसे हमें रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें ये एसवी को खोलना होगा। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये इसमें 1 2 3 4 ये 4 स्क्रू दिए गए हैं, और एक एक करके हम ये सारे स्क्रू को खोल लेंगे। ये इस टाइप से देखिए, सारे स्क्रू को हम एक बार पहले लूज़ कर लेंगे, फिर वन बाय वन हम इनको स्क्रू को खोल लेंगे, सारे स्क्रू। ये देखिए, ये मैं इसके चारों स्क्रू खोल लेता हूँ। कई बार इसमें रस्ट भी लग जाता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन 95% ईजिली ये स्क्रू खुल जाते हैं। ये स्क्रू को मैं साइड में रख लूँगा। अब इसके बाद ये आप देखेंगे, हमें इस टैप से ये इसको खोल लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की जो एसवी की क्वाइल होती है वो साइड में हो गई और ये वाल साइड में हो गया। इसके बाद ये एक पिन इसमें दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये पिन इसमें से निकल जाएगी। और एक इसमें आप देखेंगे स्प्रिंग भी है, ये स्प्रिंग हम इसको निकाल लेंगे और इसको भी हम इस स्टेप से निकाल लेंगे।
अब क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ही इसमें गंदगी है, बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी नहीं है। कई बार क्या होता है कि साल्टी पानी चलने के कारण जो है हमारी ये जो पिन है इस पर भी रस्ट लग जाता है, ये चीज़ भी जो है नमक भी जम जाता है, रस्ट भी लग जाता है, ये स्प्रिंग भी जो है बिल्कुल इसके अंदर जो ये था ये पूरा जाम हो जाता है, वो निकल नहीं सकता, लेकिन ये इजीली निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें सर्विसिंग करनी है। सर्विसिंग मतलब ये एक बार अच्छे से इनको हम साफ कर देंगे इस टाइप से, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। और अगर आपको दिखता है कि इसके अंदर नमक ज़्यादा है तो उसे आप रेगमर की सहायता से भी आप उसको रगड़ के साफ कर सकते हैं, मतलब स्क्रबर से भी आप साफ कर सकते हैं। ये वाल पूरा अच्छे से खोल लेंगे और इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे और किसी कपड़े की हेल्प से इसके अंदर हम सफाई कर लेंगे। इसके अंदर भी गंदगी कई बार जमा होती है, मतलब अगर हमें एसवी का वाल रिपेयर करना है या उसकी सर्विसिंग करनी है और लगभग इसी टाइप का एसवी है तो हमें इसी टाइप से ही करनी है, ये ध्यान रखना है हमें। देख सकते हैं मैंने ये सारी सफाई कर ली है, जो इसके मैंने सारे वार्सल और ये वाल वाल सब खोले थे। अब मैं इस वार्सल को इस पोर्शन पे रखूँगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके साथ इसे मैच करके इसमें से इसे निकाल लेना है, इस पॉइंट को इसे अच्छे से ऐसे फिट कर देंगे इसमें। तो ये मैंने इस वार्सल को इस पे फिट कर लिया है और अब इसको जो देखेंगे आप देखेंगे मैं इसे इसमें इस टाइप से फिट कर दूंगा इसे। ये देखिए ये इसमें बैठ गई। और अब इसके बाद ये देखिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को थोड़ा सा आपको इस टाइप से इसे फैला लेना है, हल्का सा इतना स्प्रिंग हम फैला लेंगे और इसको इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे अच्छे से सफाई करके। उसके बाद कई बार यहाँ पर भी गंदगी जम जाती है, इसे भी अच्छे से पूरा क्लीन कर लेना है। इस पोर्शन पे भी कई बार नमक जम जाते हैं, इसमें तो नहीं है लेकिन जो ज़्यादातर देखने में हमें मिलता है इस पोर्शन पे भी नमक जम जाता है, वो पूरा इसे बिल्कुल क्लीन करके शाइनिंग जब आपको दिखने लगे उसके बाद फिर इसे हमें लगा देना होता है इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ये पिन को लगा के इसके ऊपर हमें टिका देना है इस टाइप से और फिर इस कॉइल को हमें दोबारा से इसे टाइट कर देना है इस टाइप से। उसके बाद ये स्क्रू मैं एक एक करके इसके सारे स्क्रू लगा लूँगा और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब क्या परफॉर्मेंस है इस एसवी की। चारों स्क्रूज के ये आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 चारों स्क्रू मैंने इसके टाइट कर लिए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं, आइए ये देखिए। अब मैं इसे पानी पे लगा के चेक करता हूँ कि इसका वाल ठीक हुआ है या नहीं और इसे पूरा मतलब प्रॉपर वे में इसे चला के देखते हैं। अब मैं इसका क्या है ये पाइप जो है इनलेट में कनेक्ट कर दूँगा। ये देखिए ये इसका इन है और इन आउट का हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है। ये मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया और ये आउट वाले पॉइंट से मैं पानी चला के देखता हूँ कि अब क्या परफॉर्मेंस है। ये देखिए ये मैंने यहाँ से पानी का फ्लो बंद कर दिया, ये खोल दिया और ये आप देख सकते हैं अब यहाँ से पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और
इसके बाद में जो है इसमें 24 वोल्ट का इसमें करंट दे के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सपोज हम इसमें इस टाइप से एडाप्टर के कनेक्शन करते हैं तो फिर देखते हैं कैसा है, कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें SMPS के कनेक्शन कर दिए हैं जो कि DC से मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ। पानी यहाँ से खुला हुआ है, अब मैं स्विच ऑन कर दूँगा। तो ये देखिए, ये SMPS ऑन हो गया, ये आपको लाइट दिख सकती है, और इधर SV भी ऑन हो गया। अब मैं दोबारा आपको ऑफ करके दिखाता हूँ SMPS को। ये ऑफ हो गया, ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया और पानी की सप्लाई भी ऑन हो गई। एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, ऑफ हो गया, ऑन कर दिया। तो ये देखिए कितना इजी तरीके से हमने इस SV के वाल को रिपेयर कर दिया। तो इस टाइप से आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ भी आपको लगता है कि SV की इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी। हमारी ये छोटी सी जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लेकिन शायद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइब हमारे व्यू तो बड़े सही आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर जो है हमारी गति जो है बढ़ने की बहुत धीमी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप देख के ही छोड़ नहीं देना है, आपको सब्सक्राइब ही करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है और ऑल पे प्रेस कर लेना। उससे ये होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।